प्रकाश के पास भी एक खबर है, जानकारी है। प्रकाश सीधे आपके पास आ रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देखिए और सुनिए, नीतीश कुमार नए अध्यक्ष बने, इस प्रस्ताव को दिया गया और नीतीश कुमार अब नए अध्यक्ष बनेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पास हो गया है, अब नए अध्यक्ष जेडीयू के दूसरी बार नीतीश कुमार बनेंगे। इसके पहले भी वो जब शरद यादव थे उस वक्त वो गद्दी संभाले थे और अध्यक्ष बने थे, यही दिल्ली में वो बैठक हुई थी, इसी तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उस वक्त इतना सस्पेंस नहीं था, लेकिन इस वक्त लंबा समय खींचा तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के बने, ये बड़ी और पहली खबर एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल प्रकाश, बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष होंगे, कार्य जो ये पूरा प्रस्ताव हुआ वो पास हो गया है। प्रकाश सीधे आपके पास आ रहे हैं, आप अपडेट देते रहिए। जी मैं वही बता रहा था कि पहले, जैसा कि एबीपी न्यूज कह रहा था, पहले से ही हम बता रहे थे, हमारे सहयोगी अंकित और निधि लगातार इस खबर पर लगे हुए थे और ये बात सामने आ रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ये पहली खबर थी। और दूसरी, इस खबर पर उस वक्त मोहर लगाई और हमने ही सबसे पहले बताया कि ललन सिंह ने इस्तीफा देने की पेशकश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और जब ये प्रस्ताव दे रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष के तौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को वो आगे करते हैं, वो प्रस्ताव देते हैं। और इसका सर्वसम्मति से तालियों की गूंज के साथ, हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ऐसे नारों के साथ नीतीश कुमार के इस नए पदभार के लिए लोगों ने बधाई दी तालियों के साथ में। ये कुछ हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। अब इस बैठक खत्म होगी और तुरंत लंच होगा और लंच के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी और उस परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव तो अपनी जगह थी, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर कि ललन सिंह का इस्तीफा देना और नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आना, ये बड़ी खबर हुई है। और ये राष्ट्रीय परिषद में बैठक के बाद ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि किस तरह से बैठक हुई और बैठक के बाद एक के बाद सिलसिलेवार ढंग से तरीके से इसे किया गया, क्योंकि इसमें ये पार्टी की तरफ से कहीं से ये संदेश या मैसेज संकेत नहीं देना चाह रहे थे कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में कोई दूरी है, कोई खाई है, कोई विवाद है जिससे कि पार्टी के लिए भी नुकसान होता। ये तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कि दोनों के बीच में कोई विवाद रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार नए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के जो बातें आ रही थी अब सामने हो गई है। अब देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव ये ले जाया जा रहा है। अब हमारे अंकित है सामने में, उनके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि वहां पर किस तरह के नारेबाजी हो रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।